नए नए प्रोडक्ट से आपको मेकअप करना सिखाती रहूंगी। अगर आप बिगनर है ना, आपको बिल्कुल मेकअप नहीं आता, आप बिल्कुल बिगनर है, तब भी मैं आपको मेकअप सिखाऊंगी और इतना अच्छा मेकअप आप कर सकेंगे कि मेकअप आर्टिस्ट की टक्कर का मेकअप आप कर सकते हैं मेरे से मेकअप सीख के। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे से मेकअप करना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या फिर बिगनर है मेकअप में, तो फिर इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो का एक एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें सारे स्टेप्स बताए हैं, क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर जो भी प्रोडक्ट मैं वीडियो में यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy Makeup. My name is Karishma. Please subscribe my channel and hit the bell icon. और मेरी आवाज़ पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है आज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समर्स स्टार्ट हो चुकी है, और समर्स हो या विंटर्स हो, बट स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये निविया मॉइस्चराइज़र, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अफोर्डेबल भी है, ये काफ़ी अच्छा रहता है, बट समर्स है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है स्किन के लिए, क्योंकि आपकी स्किन जो है ना, बाद में जब आप मेकअप करते हैं आफ्टर मेकअप, आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई होने लग जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये ज़रूरी होता है। मेरी स्किन ड्राई है तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इसको अप्लाई करती हूँ, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको, बहुत लिटिल अमाउंट इसका लें और इसको अप्लाई करें। अब यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये रियल मेकअप बेस, स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस। शायद आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाइट है और वाइट में लाइटिंग में इतना नहीं दिखता है। तो ये रियल मेकअप बेस है। सारे प्रोडक्ट जो भी मैं यूज़ करने वाली हूँ आज, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जान लीजिए मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीखने को ही मिलेगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत यूज़फुल है। तो ये देखिए रियल मेकअप बेस मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ड्राई मेकअप नहीं चाहिए होता है, मेरी स्किन सुपर ड्राई है, विंटर्स में सुपर ड्राई हो जाती है, बट जब समर्स होती है ना तब भी मेरी स्किन काफ़ी ड्राई रहती है, तो मुझे थोड़ा सा डूई मेकअप चाहिए होता है, कहते हैं ग्लास स्किन मेकअप ये वो, तो ये उसी तरह का इफेक्ट देने के लिए होता है। ये देखिए इस तरह से मैं इसको अपने फुल फेस पर अप्लाई कर लूँगी। आज मैं ब्लेंडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है, मैं अपने हैंड से ही करूँगी सारा मेकअप। इस तरह से पहले इसको अपने फेस पर मैं बहुत अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, कोई ब्लेंडर यूज़ नहीं करने वाली हूँ। बिगनर्स हो ना, हैंड से अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देखो कितने अच्छे से मेकअप होगा और कितनी ईजीली होगा। मेकअप बेस मैंने अप्लाई कर लिया है, इस मेकअप बेस में ये है और हाइलाइटर भी है, जिससे हाइलाइटर से आपकी स्किन हाईलाइट करेगी और बहुत अच्छे से डूई इफेक्ट देगी। और इसके साथ साथ इसमें प्राइमर भी है, तो आपको प्राइमर अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मल मेकअप कर रहे हो, कोई ब्राइडल मेकअप नहीं है, कोई हैवी मेकअप नहीं है। और आज हम पॉन्ड्स बीबी से मेकअप करने वाले हैं, तो इतना ज़्यादा प्राइमर की नीड भी नहीं है, जितना इसमें है वो काफ़ी है। यानी लिप्स को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं लिप्स पर ये लगाती हूँ हिमालय लिप बाम, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये देखिए ये मैंने लिया है पॉन्ड्स बीबी क्रीम, और मैंने इसका शेड लिया है आइवरी। इसमें दो शेड आते हैं, दूसरा शेड डार्क है, तो वो मैंने नहीं लिया है, आइवरी शेड मेरी स्किन के अकॉर्डिंग ठीक है। तो मैं देखिए इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं ले रही हूँ, इस तरह से मैंने इसको अपने, कभी भी ना प्रोडक्ट को आप यहाँ मत लिया कीजिए, हमेशा यहाँ आपको लेना चाहिए अपना प्रोडक्ट। इस तरह से देखिए इसको अप्लाई कर लूँगी, अपने हैंड के हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी, बिल्कुल भी कोई भी ब्लेंडर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप बिगनर्स हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमें प्रॉब्लम होती है ब्लेंडर कैसे यूज़ करना है, तो ब्लेंडर मैं बाद में सिखाऊंगी, पहले आप ये हैंड से अप्लाई करना सीख जाइए। मैं अपनी आईज़ पर भी अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आई मेकअप भी मुझे करना है, क्योंकि क्या होता है ना, आप चाहे बिगनर हो या कोई भी हो, लेकिन आपको आई मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद होगा, मैं जानती हूँ, सभी को पसंद होता है, सभी करते हैं।
मैंने अपने हैंड से इसको ब्लेंड कर लिया है इस तरह से। आप इस तरह से रगड़ना नहीं है, आप अगर इस तरह से रगड़ेंगे तो ये थोड़ा सा ना ख़राब दिखेगा, क्योंकि फाउंडेशन इसमें मिक्स है, क्रीम और फाउंडेशन का मिक्सचर है ये, SPF भी इसमें है। और अगर आप इसको इस तरह से करेंगे ना, कहीं ज़्यादा हो जाएगा और कहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आपको इस तरह से ब्लेंड करना है इसको हैंड से, इस तरह से देखिए, इस तरह से जिसे करते हैं ना, इस तरह से करना है। बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, अगर आप रगड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब दिखेगा, इसलिए रगड़ना मत। और इस तरह से ब्लेंड करना। उसके बाद कोई भी टेंट, कोई भी लिपस्टिक या फिर कुछ भी पिंक कलर का जो कि क्रीमी टेक्सचर हो, उसको यूज़ कर लेना। किस तरह से यूज़ करना है, देखिए इस तरह से जो मेरा फेस है उसके हिसाब से W शेप जाएगा। इसकी जो शेप है वो ओवल है, और ओवल शेप पर हमेशा W शेप में जाता है ब्लशर। तो देखिए मैंने अपने फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी मैं, ये देखिए। और ये बहुत ब्यूटीफुल लगने लग जाता है ये, जब मैं इसको ब्लेंड करूंगी तो बहुत अच्छा लगने लगेगा। कि मैंने टिंट को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है फिंगर की हेल्प से। अब मैं देखिए इस तरह का एक ब्रश लूँगी, और यहाँ मैंने कॉम्पैक्ट मैक लिया है। आप चाहें तो कोई भी कॉम्पैक्ट जो कि आपको आपके पास है, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, कोई भी अपने स्किन टोन से एक टोन लाइट ले सकते हो आप। ये NC20 मैक कॉम्पैक्ट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट है। तो देखिए इस तरह से इसमें मैं इस तरह से इसको लूँगी और इसको सेट कर लूँगी, क्योंकि अगर आप बेस सेट नहीं करेंगे ना, समर्स है तो आपका बेस ख़राब हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। बेस को हमेशा इसलिए सेट किया जाता है पाउडर के साथ, ताकि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। शुगर ब्लशर, और इस ये है 02 पिंक। शुगर काफ़ी अच्छा ब्रांड है और काफ़ी अच्छे इसके प्रोडक्ट हैं, तो आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। इसके फाउंडेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं, मैं काफ़ी यूज़ भी करती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं इसको, ये देखिए यहाँ से ये W शेप में इस तरह से, क्योंकि मैंने क्रीम ब्लश किया हुआ है तो मैं इसको सिर्फ सेट करूँगी। अच्छे से कर लो, और उसके बाद मैं थोड़ा सा चिन पर भी करूँगी इसको, ये देखिए इस तरह से चिन पर। अब मैंने यहाँ लिया है स्विस ब्यूटी पैलेट, और इसमें जो कलर्स हैं ये देखिए आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ये पीच टोन उठाऊँगी, और उसके बाद ये देखिए इस तरह से इसको अपनी आईज़ पर। आप चाहें तो अपनी फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट मैं ब्रश के साथ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ब्रश के साथ काफ़ी अच्छे से हो जाता है। इनर आई लाइट होनी चाहिए, और जो आपकी आउटर आई कॉर्नर है वो हमेशा डार्क होनी चाहिए। इधर साइड डार्क और इधर साइड लाइट, इधर साइड लाइट इधर साइड डार्क, ठीक है। आइज़ का जो रूल होता है मेकअप करने का, आइज़ को इधर साइड लाइट चलना है आपको, इधर साइड डार्क, इधर साइड लाइट चलना है, इधर साइड डार्क। तो आपको कुछ इस तरह से करना होता है। ये देखिए मैंने पीच टोन अप्लाई किया है, थोड़ा सा अर्दी टोन है ये, और मतलब ब्राउनिश है, और ब्राउनिश और पीच का मिक्स है ये। मैं हमेशा आपको मेकअप सिखाती हूँ तो इसी तरह की टोन्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये पसंद है। बट आज मैं कुछ अलग करने वाली हूँ। अब मैं यूज़ करूँगी ग्रीन, कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग ही अप्लाई करना होगा। तो ये देखिए ग्रीन यूज़ करने वाली हूँ अब मैं। ये देखिए किस तरह से मैं इसको स्प्रेड करूँगी, ये देखिए। इसको मैं सिर्फ अपनी लिड पर अप्लाई करूँगी, इसको ऊपर की साइड में नहीं लेके जाऊँगी। आउटर कॉर्नर्स पर थोड़ा सा डार्क रखती हूँ। तो मैंने आई को ग्रीन कर लिया है, पहले मैंने ब्राउन यूज़ किया था, फिर ग्रीन यूज़ किया था, अब मैं पिंक यूज़ करूँगी। पिंक को मैं अपनी फिंगर की हेल्प से यूज़ करूँगी, ये देखिए इस तरह से मैं अपनी आई लिड पर बिल्कुल सेंटर में इसको अप्लाई करने वाली हूँ। और ये बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा, क्योंकि ये ग्रीन के ऊपर से अप्लाई कर रही हूँ तो और ज़्यादा इन्हेंस होगा। ये देखिए अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एरिक पेंसिल, ये ब्लैक पेंसिल है, ब्लैक आई पेंसिल, और इसको मैं एज अ लाइनर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बिगनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है लाइनर लगाना, और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है लाइनर अप्लाई करना बिगनर्स के लिए। तो आप इस तरह से काजल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये लॉन्ग लास्टिंग यूज़ करना, जो भी यूज़ करो आप वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। आप एरिक पेंसिल या फिर शुगर पेंसिल या फिर नायका फॉरएवर 52 भी आप यूज़ कर सकते हो। किस तरह से यूज़ करनी है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से तो मैं जो इसके कॉर्नर्स हैं आउटर कॉर्नर्स, इसको इस तरह से स्मज कर दूंगी। ये देखिए इसको स्मज कर दीजिए। अगर आपको विंग नहीं लगाना है ना, तो आपको इस तरह से इसको स्मज कर देना है। इसको मैंने अच्छे से कर लिया है ब्लेंड, और उसके बाद मैं यूज़ करूंगी ये एरिक पेंसिल अपनी अंडर आई के लिए इस तरह से। ये देखिए लूँगी यहाँ पर फ्लैट ब्रश, इस तरह से फ्लैट ब्रश लेना है।
और उसके बाद ये डार्क ब्राउन के साथ, ये देखिए इस तरह से डार्क ब्राउन के साथ इसको को ना बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ये देखिए अब मैं इस ब्राउन पाउडर के साथ इस तरह से, देखिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है और इसको इस तरह से अपनी आईब्रोज को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईब्रोज को आप अच्छे से डिफाइन कर लेंगे, किस तरह से डिफाइन करनी है सामने देखिए, बिल्कुल आपको सामने देखना है। आपका जो ये आईबॉल है उसका जो ये पार्ट होता है ना, ये आईबॉल का आउटर पार्ट जो होता है यहाँ से, ये देखिए इसकी स्टार, इसकी सीधे बिल्कुल ऊपर ऊपर की साइड यहाँ से आपको डिपॉजिट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले सीधे देखिए, देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका आईबॉल, जहाँ से स्टार्ट होता है ना आउटर साइड से, यहाँ से अप्लाई करना होता है। ब्रश में पाउडर लेने के बाद इस तरह से देखिए यहीं से स्टार्ट करना है आपको, कभी भी आगे नहीं जाना इस तरह से। ये देखिए आई मेकअप करने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आपने बीबी क्रीम यूज़ की है और बीबी क्रीम में क्या होता है, ये बाद में ब्लेंड हो जाती है फेस ऑयल के साथ, और फेस ऑयल के साथ जब ये ब्लेंड होती है ना, थोड़ी सी इसको सेट करने के लिए आपको फिर से कॉम्पैक्ट की नीड होगी, तो जिससे कि आपका जो आई मेकअप है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो सके, अच्छा दिख सके, ख़राब नहीं दिखे। उसके लिए आप फिर से देखिए इस तरह से अपने अंडर आई को सेट कर लीजिए, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेना है और इस तरह से देखिए इसको ब्रश को थोड़ा सा आपको इस तरह से करना है। और ये देखिए मुझे बिल्कुल भी हाइलाइटर लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि ये इतना ग्लॉसी लग रहा है मेकअप, बिल्कुल भी नीड नहीं है। समर्स भी है तो हाइलाइटर की तो नीड ही नहीं है, सिर्फ आप चाहें तो आईब्रोज की जो ब्राउ बोन होती है वहाँ लगा सकते हैं, बट मैं वहाँ भी स्किप कर रही हूँ क्योंकि बिगनर्स को मेकअप सिखा रही हूँ, थोड़ा सा उनको टफ लगने लग जाता है कि कैसे करना है, ज़्यादा कम हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है उनका जो मेकअप होता है, तो इसलिए मैं आज नहीं लगाने वाली हूँ। इस तरह से मैंने ये स्विस ब्यूटी लिक्विड ग्लिटर लिया है, जिसको मैं अपनी आईज पर, ये देखिए सिर्फ अपनी लिड पर ये टू डॉट्स लगाऊंगी इस तरह से, और इसको अपनी फिंगर की हेल्प से इस तरह से देखिए यूज कर रही हूँ। एरिक लिपस्टिक और इसका शेड है मैनहट्टन 3408 और इसको मैं अप्लाई करूंगी। वैसे मैंने अप्लाई किया है और इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल लिपस्टिक और इसका शेड है 121 आई चूज। ये लिप कलर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस तरह से इसको छोड़ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा न्यूड पसंद है तो आप ये रिकोड ग्रेजुएशन डे कलर्स में टॉप अप करेंगे और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि मुझे न्यूड कलर्स ज़्यादा पसंद है, तो इसको इस तरह से देखिए इसको इस तरह से ब्लेंड कर लीजिए। जो लाइन्स हैं लिपस्टिक में, लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, तो उसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह से देखिए, क्योंकि समर्स हैं और आपको अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, वो भी बीबी क्रीम आपने यूज़ किया है, तो उसके लिए लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपको फिक्सर यूज़ करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है कीजिए, क्योंकि आईज़ को क्लोज करके यूज़ करना और बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना, क्योंकि समर्स हैं और मेकअप स्लिप कर जाता है, तो इससे मेकअप स्लिप नहीं करेगा। ये देखिए मस्कारा में इसको मैंने फिक्स कर लिया है, मैं इसको ड्राई आउट होने दूंगी, उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं नहीं लगाती हूँ मस्कारा फिक्सर से पहले, ज़्यादातर मैं बाद में ही अप्लाई करती हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं उसके बाद हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। फॉल्स आईलैशेस के साथ जब मैं वेयर करती हूँ फॉल्स आईलैशेस, तो मैं उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, तो मैं अपने कंफर्टेबल जोन में ही रहती हूँ, तो अगर मुझे लगता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं नहीं लगाऊंगी, तो मैं नहीं लगाती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं लगाती हूँ, कहीं शादी में या कोई पार्टी या कुछ ऐसा है तो मैं लगाती हूँ भी हूँ, बट अगर आप चाहें कि आपको सीखना है कि किस तरह से उसको वेयर करना है, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। मैं आपको फॉल्स आईलैशेस को किस तरह से वेयर करना होता है, किस ग्लू के साथ वेयर करें जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, आपके जो फॉल्स आईलैशेस हैं वो हटे नहीं, अगर आप ये जानना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा उसको ड्राई आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लगाएंगे मस्कारा। इसको मैंने बहुत अच्छे से ड्राई आउट कर लिया है, अब मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ फेरा रोशी मस्कारा, और आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको पसंद हो,
क्योंकि आप बिगनर्स हो तो आपके पास जो भी लॉरियल ले सकते हैं, आप मेबलिन ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रिकॉर्ड भी ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा है, फॉरएवर 52 भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है, और मार्स भी आप ले सकते हैं, स्विस ब्यूटी भी आप ले सकते हैं, तो आपको जो भी ब्रांड अच्छी लगे आप ले सकते हैं। तो मेरे पास फेरारुशी है तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ इस टाइम। इसको आपने थोड़ा सा मस्कारा अप्लाई किस तरह से करना होता है मैं आपको सिखाती हूँ। नीचे देखिए, नीचे देखना होता है, थोड़ा सा नीचे देखिए और इस तरह से ये देखिए, नीचे देखिए और इस तरह से अप्लाई करते जाइए। अगर आप ऊपर देखोगे ना तो ये ऊपर लग जाएगा। मैंने कर लिया है, आई होप आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने बीबी क्रीम से मेकअप किया है, फुल कवरेज नहीं है, तो मेरे जो डार्क सर्कल हैं वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ डार्क सर्कल को आप डार्क सर्कल को कवर किया है, तो वो थोड़ा सा महसूस होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाइड हो जाएंगे, बिल्कुल हाइड नहीं होंगे इससे, क्योंकि फुल कवरेज नहीं है। काफ़ी अच्छा लगता है, नेचुरल सा मेकअप लगता है इससे, ऐसा नहीं लगता बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप किया है, बहुत लेयरिंग नहीं होती क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कुछ मिक्स करके भी यूज़ नहीं किया है इसमें। बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ट्रस्ट मी, अच्छा लगता है। आप डेली यूज़ में इसको कर सकते हो, कहीं पार्टी में जा रहे हो तब भी आप इससे मेकअप करके जा सकते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी आप जा रहे हो तो इस बीबी क्रीम से मेकअप कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग लिपस्टिक और आई मेकअप चेंज कर सकते हो, अगर आप पार्टी में जा रहे हो थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं अपने आई मेकअप को, थोड़ा सा लिप्स को डार्क भी रख सकते हैं, वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मेकअप पसंद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिगनर्स को इसी तरह से मेकअप सिखाती रहूँ, कुछ ना कुछ नया टिप्स और ट्रिक्स देती रहूँ, कुछ ना कुछ टेक्निक सिखाती रहूँ, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के रिव्यू करती रहूँ आपके साथ कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, इतने ज़्यादा अच्छे कॉमेंट्स मुझे आप लोग करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा मेरे साथ मेकअप सीखना। वीडियोज़ मेरे प्रोडक्ट के ऊपर भी आने वाले हैं कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, और इसके साथ साथ थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपके मेकअप में रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर करूंगी। इसके साथ साथ आपको अगर YouTube स्टार्ट करने वाले हैं आप, आपको अर्निंग करनी है, आपको घर बैठे अर्निंग करनी है, और आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं घर बैठे, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो घर से बाहर नहीं जाती, बट उनको अर्निंग करने का मूड का मन होता है कि हम भी अर्न करें, तो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ अपनी वीडियोज़ में किस तरह से आप घर बैठे अर्न कर सकती हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मैं आपके साथ वीडियोज़ को शेयर करती रहूँ। मैं आपको अर्निंग करना भी सिखाऊंगी, यूट्यूब चलाना भी सिखाऊंगी, यूट्यूब को किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए ये भी सिखाऊंगी, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरह से मेकअप वीडियोस बनाते हैं, किस तरह से शॉर्ट्स वगैरह को एडिट करते हैं, किस तरह से थंबनेल लगाते हैं, एवरीथिंग आपको मेरे वीडियोस में मिलने वाला है, और किस तरह से कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है अपने वीडियोज़ में, अगर आप यूट्यूब पर यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, मैं सब कुछ एवरीथिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बस आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच, इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा, बाय बाय। Stay tuned.